नमस्कार दोस्तों। दोस्तों किसी भी देश का नेता हो या किसी भी राज्य का राजा हो, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि धर्म का पालन करने वाला नेता, कर्तव्य दक्ष, प्रजा का पालन करने वाला, कर्तव्य परायण, देश में सही रूप से क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसकी परख करने वाला, न्यायशीलता। न्यायशीलता यह गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस नेता के अंदर ये गुण नहीं है वो नेता कभी भी सफल नेता नहीं हो सकता, वो अपनी प्रजा को एक साथ नहीं रख सकता। बल्कि अगर वो टेढ़ा है, अगर वो गलत रास्ते पर चल रहा है तो प्रजा भी उनके साथ कहा जाएगी गलत रास्ते पर ही जाएगी। किसी भी देश का अगर विकास करना है, देश को विकसित बनाना है, तो उस देश का राजा कैसा होना चाहिए? गुणवान होना चाहिए। सही क्या है गलत क्या है उसकी परख करने वाला होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला चाहिए। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी एक कहानी है राजधर्म, इस कहानी के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, इस कहानी में भी एक राजा है और उस राजा का नाम क्या है? ब्रह्मदत्त। देखिए इस गद्य के माध्यम से हम देखते हैं कि यह राजा कैसा है। गद्य का नाम है राजधर्म। क्या नाम है? राजधर्म। देखिए दोस्तों, आज अपने भारत देश के हमारे नेता कौन है? कौन है? मोदी जी। मोदी जी हमारे नेता है, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। वे क्या कर रहे हैं? अपने भारत देश पर जो भी समस्याएं आ रही है उस समस्याओं का सामना कर रहे हैं और अपनी प्रजा को सुखी रख रहे हैं। आज हम ये जो खुशहाली का जो हमारे आसपास जो माहौल है, जो हम खुशी का हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो किसकी वजह से है? हमारे नेता की वजह से है, नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, जो क्या कर रहे हैं? अपने भारत देश की रक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे संकट आए हैं इस देश पर, लेकिन उन संकटों का सामना अपने देशवासियों के साथ मिलकर कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, न्याय और धर्म का पालन करने वाले राजा ब्रह्मदत्त ने जब बोधिसत्व के दिए हुए बोधे, बोधे यानी फल, बोधे यानी क्या? फल है। जब बोधिसत्व के दिए हुए बोधे खाए तो वे बहुत मीठे लगे। जब राजा अन्यायी और अधर्मी हो गया तो वही बोधे कड़वे हो गए। इस जातक कथा में धर्म एवं न्याय के पालन पर जोर दिया है। धर्म, धर्म का पालन करना, न्यायप्रियता। राजा कैसा होना चाहिए? न्यायप्रियता होना चाहिए, सभी को समान न्याय देने वाला होना चाहिए। देखिए, अगर किसी राज्य में या अगर किसी राज्य के नेता लोग ही कुछ गलत कार्य करने लगे, गलत रास्ते पर चलने लगे, तो वहां की प्रजा भी क्या सोचेगी? अरे ये खुद तो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हमें भी क्या करना चाहिए? गलत कार्य ही करना चाहिए। तो वे भी कैसा भी व्यवहार करने लगेंगे जनता के साथ। देखिए, अति प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। देखो, अति प्राचीन काल में, और कहां? वाराणसी में। कहां? वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था, जो अपनी धर्म प्रियता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध था। देखो, वाराणसी में अति प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज्य करता था, और वह धर्म प्रियता, धर्म का प्रियता, धर्म का पालन करने वाला था, अपनी धर्म प्रियता और न्यायपूर्ण शासन के लिए वह कैसा था? प्रसिद्ध था। उसकी ख्याति थी उसके राज्य में और आसपास के राज्यों में उसकी ख्याति थी कि
कि वह राजा कैसा है, धर्म का पालन करने वाला है और न्यायपूर्ण राजा है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। देखो उसके समय में बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। देखो उसी समय जब वह राजा वाराणसी में राज्य करता था, उसी समय बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। बोधिसत्व, बोधिसत्व किसका नाम है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का नाम है बोधिसत्व। देखो उसके समय में बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त किया। किसने ज्ञान प्राप्त किया है? बोधिसत्व ने ज्ञान प्राप्त किया है। फिर ऋषि का रूप धारण कर वे रमणीय हिमालय प्रदेश चले गए और कंदमूल फल आदि का सेवन करते हुए तपस्या करने लगे। देखो बोधिसत्व ने अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त किया है और उसके बाद उन्होंने क्या किया है? ऋषि का रूप धारण किया है और वे कहां पर गए हैं? हिमालय पर गए हैं। कहां गए हैं? हिमालय पर गए, हिमालय प्रदेश में गए हैं और वहां पर वे कंदमूल और फल ये खाकर वहां पर वे क्या करते हैं? तपस्या करते थे। क्या करते थे? तपस्या करते थे। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। विवेकशील, विवेकी मतलब अच्छा आचरण करने वाला, अच्छी बुद्धि वाला, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला, गरीब जनता की ओर ध्यान रखने वाला, विवेकी, विवेकशील। देखो ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत असत, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह सत असत, सत असत यानी सत्य असत्य, सत असत सत्य असत्य। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत असत, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। देखो वह बहुत क्या हुआ था? प्रिय हुआ था। वह सत असत और उचित अनुचित का ध्यान रखता था। वो धर्मप्रिय राजा था। कैसा राजा था? धर्मप्रिय राजा था, धर्म का पालन करने वाला राजा था। सत्य क्या है, असत्य क्या है उसे अच्छी तरह से वह जानता था। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था, इसलिए सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी तारीफ करते थे। लेकिन वह राजा ऐसा था जो किसी से अपने दोषों के बारे में सुनना चाहता था, कि उस राजा के अंदर जो भी कुछ दोष है उन दोषों के बारे में जानना चाहता था। इसलिए वह क्या करता था? अपनी प्रजा में वेश बदलकर घूमता था, अपने राष्ट्र में वेश बदलकर घूमता था। देखिए ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत असत, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। वो राजा जब भी अपना वेश बदल कर अपने दोष पाने के लिए ढूंढता था, फिरता था लोगों के बीच में, तब कोई भी उसके दोषों को नहीं बता रहा था, बल्कि उस राजा के गुणगान ही गा रहे थे लोग।
यानी वह नेता कैसा था? सही था ना, सही मार्ग पर चलने वाला था। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसे परखने वाला था, धर्म का पालन करने वाला था, कर्तव्य परायण था, अपनी प्रजा का अच्छा ख्याल रखता था, इसलिए सारे लोग उसका गुणगान ही करते थे। देखो, प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतपुर राजदरबार नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणगान का बखान करते थे। बखान बखान यानी प्रशंसा। सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा के अवगुण बताने वाला, राजा के दोष बताने वाला उस पूरे नगर में कोई भी नहीं था। राजा ने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे राज्य में घुमा, पर उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। देखो राजा ने क्या किया, राजा ये सोचता रहा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे दोषों को बता सके, मुझ में क्या दोष है जिसे मैं और सुधार सकता हूं, मुझ में क्या दोष है वो राजा जानना चाहता था। इसलिए राजा ने क्या किया है, अपना वेश बदलकर वह अपने राज्य में घूमने लगा है। और जब भी वह घूम रहा था तब सारे लोगों से राजा ने उनके क्या सुने, गुण ही सुने हैं। अवगुण बताने वाला कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला है, मतलब उसके दोषों को बताने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। आगे देखो, फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। देखो अब राजा कहां गया है, हिमालय प्रदेश गया है। क्यों? क्योंकि उसे वो क्या ढूंढ रहा है, अपने दोष ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है, अपने दोष ढूंढ रहा है कि मुझ में क्या दोष है। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगलों और पर्वतों को पार करता हुआ वह हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुंचा। देखो अब वह कहां गया है, हिमालय पर गया है। और किसके आश्रम में गया है, बोधिसत्व के आश्रम में गया है। उसने उन्हें ध्यान पूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम यानी उसके राजा की खुशहाली के बारे में पूछा। किसके बारे में, खुशहाली के बारे में। फिर राजा आश्रम में एक और चुपचाप बैठ गया। देखो राजा बोधिसत्व के आश्रम में गया है, बोधिसत्व को प्रणाम किया है। बोधिसत्व ने भी राजा को, ब्रह्मदत्त राजा को उनकी खुशहाली के बारे में पूछा है। और उनकी बातचीत होने के बाद अब राजा कहां गया है, आश्रम के एक ओर जाकर चुपचाप बैठ गया है। अब आगे देखो, बोधिसत्व जंगल से पके पौधे लाकर खाते थे। वे पौधे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। गोदे गोदे यानी फल, एक प्रकार का फल है। देखो बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा से कहा, महापुण्य ये गोदे खाकर पानी पियो। देखो बोधिसत्व क्या करते थे, हिमालय के पेड़ों से गोदे निकाल कर लाते थे और वे गोदे खाते थे। तो उन्होंने क्या किया है, वे गोदे किसको दिए हैं, राजा को दिए, ब्रह्मदत्त राजा को दिए हैं। और उन्हें क्या बोला है कि ये गोदे खाकर क्या करो, पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया, उसे गोदे बड़े ही मधुर और स्वादिष्ट लगे। देखो जब भी राजा ने वे गोदे खाए तब वे गोदे राजा को कैसे लगे, बहुत ही मीठे लगे हैं। कैसे लगे हैं, स्वादिष्ट लगे हैं, मीठे लगे हैं, मधुर लगे हैं। उसने बोधिसत्व से
मीठे और स्वादिष्ट हैं। उसने बोधिसत्व से पूछा, भरते क्या बात है, ये पौधे बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। महापुण्य राजा, निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है। कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? अभी बोधिसत्व बोल रहे हैं। देखो, महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्याय, ये इतने मीठे हैं। बोधिसत्व बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मदत्त यानी राजा को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि महापुण्य, हे महापुण्य राजा, निश्चय ही तुम क्या कर रहे हो, धर्मानुसार, धर्म का पालन करते हुए धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज्य करते हो, इसलिए ये गोदे आपको इतने मीठे लगे हैं। राजा के अधर्मी और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजहीन, ओजहीन यानी प्रभावहीन, केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजहीन हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती है और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। ओजस्वी यानी तेजपूर्ण, प्रभावशाली। देखो, बोधिसत्व ब्रह्मदत्त को यानी राजा को बता रहे हैं कि हे महापुण्य राजा, निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है। उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधर्मी और अन्याय होने पर देखो, अगर राजा, अगर राज्य में राज्य करने वाला राजा अगर अधार्मिक है, अगर अन्यायी है, तो इन गोदों में चाहे कितना भी तेल, मधु, शक्कर आदि डालो, कुछ भी डालो, या जंगल के फल फूल सभी कड़वे लगेंगे। कैसे लगेंगे? कड़वे लगेंगे, स्वादहीन लगेंगे। यानी आपको ये जो गोदे मीठे लगे हैं, इसका कारण यह है कि आपके राज्य में सब कुछ कैसा चल रहा है? खुशहाल चल रहा है, अच्छाई से चल रहा है, इसलिए गोदे आपको कैसे लगे हैं? मीठे लगे हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजहीन हो जाता है, दूषित हो जाता है। अगर वहां का राजा अन्यायी है, वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, भले बुरे की उसे परख नहीं है, तो वह सारा राष्ट्र कैसा हो जाता है? ओजहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? ओजहीन, प्रभावहीन हो जाता है और दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं। राजा के न्यायप्रिय होने पर
सही होने पर, राजा सही मार्ग पर चलता है, इसलिए क्या होता है, सब कुछ शक्तिवर्धक होता है, सभी वस्तुएं मधुर होती है, उनमें मिठास आती है, सब कुछ शक्तिवर्धक होता है और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। ओजस्वी यानी तेजपूर्ण प्रभावशाली वह राष्ट्र कैसा बनता है, प्रभावशाली बनता है कब, जब राजा सही मार्ग पर चल रहा है तब, जब राजा धर्म का पालन कर रहा है तब, जब राजा के अंदर न्यायप्रियता है तब। आगे देखो कौन बोल रहे हैं, बोधिसत्व को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, राजा को बोल रहे हैं। आगे देखो, भरत ऐसा होता होगा यह तो राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया है। राजा ने अपना परिचय नहीं दिया है, बोधिसत्व को अपना परिचय नहीं दिया है, वह बिना परिचय दिए वहां से निकला है। आगे देखो, उसने सोचा तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा। अब तपस्वी बोधिसत्व ने मुझे बताया है कि अगर किसी राजा का कामकाज अपने राष्ट्र में अच्छा चल रहा है तो गोदे मीठे लगते हैं, और अगर उसके राष्ट्र में, उसके राज्य में कामकाज अच्छाई से नहीं चल रहा है, अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, भला बुरा चल रहा है तो गोदे कड़वे लगते हैं, इसकी मैं क्या करूंगा, परीक्षा ले लूंगा। क्या ले लूंगा, परीक्षा ले लूंगा। उसने सोचा तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा सोच रहा है अब मैं क्या करूंगा, अधर्म करूंगा, अधर्म और अन्याय से, अन्याय की बात करूंगा, यानी अधर्म यानी सबके साथ बुरा व्यवहार, अन्याय, किसी को न्याय नहीं देना, यानी मैं टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार करूंगा, जो मेरा बर्ताव है वो मैं बर्ताव अच्छाई से नहीं करूंगा, जनता के साथ बुरा व्यवहार करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वो फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। देखो, राजा ने अधर्म और अन्यायपूर्ण बात व्यवहार जनता के साथ किया है, जनता रो रही है, गरीब जनता की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, और यह सब करके वो फिर से कहां गया है, हिमालय पर गया है, किसके पास गया है, बोधिसत्व के पास। अब आगे देखो, बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। अब बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए राजा को, वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते ये बड़े कड़वे हैं। देखो अब क्या हुआ है, जब राजा पहली बार गया था तब उन्हें गोदे कैसे लगे थे, बहुत ही स्वादिष्ट लगे थे, मीठे लगे थे, मधुर लगे थे, और अभी दूसरी बार गए हैं तब उन्हें गोदे कैसे लगे हैं, मीठे लगे हैं, सॉरी कड़वे लगे हैं। क्यों कड़वे लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ बुरा व्यवहार किया है, न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया है, धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया है। बोधिसत्व की परीक्षा लेने के लिए, बोधिसत्व के बातों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ये सब किया है, और आश्रम में आकर फिर से उन्होंने क्या किए हैं, गोदे खाए हैं, और ये गोदे उन्हें कैसे लगे हैं, बहुत ही कड़वे लगे हैं। देखिए, बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए राजा को, वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। कौन बोल रहे हैं, बोधिसत्व बोल रहे हैं, ये महापुण्य राजा अवश्य कैसा होगा, अधार्मिक। महापुण्य राजा अवश्य
अधार्मिक और अन्यायी होगा, जनता के साथ उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया हुआ होगा, अन्याय किया हुआ होगा, इसलिए ये गोदे तुझे कैसे लगे हैं? कड़वे लगे हैं। महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस, नीरस यानी रसहीन, नीरस यानी रसहीन महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती है, स्वाद रहित हो जाती है, उसमें मिठास नहीं आती, स्वाद ही चला जाता है। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओझहीन हो जाता है। बोधिसत्व बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? राजा को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जरूर आपने क्या किया होगा, जनता के साथ बुरा व्यवहार किया होगा, अधर्म किया हुआ होगा, अधर्म किया है, अन्याय किया है जनता के साथ, इसलिए जो राजा ऐसा करता है उसे गोदे या इस जंगल के सारे फल फूल सब कैसे लगते हैं? रसहीन लगते हैं, कड़वे लगते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पूरा जो राष्ट्र है वो ओज रहित हो जाता है। कैसा हो जाता है? ओज रहित। ओज रहित यानी जिसमें तेज नहीं पाया जाता, तेज नहीं। राजा की ओर जिज्ञासा प्रकट करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी पार करते समय सांड यानी उनका नेता, सांड किसको कहा है? जो गायों का झुंड रहता है, और उस झुंड के आगे जो चलता है वो सांड, हमेशा सांड के आगे चलता है, वो उनका नेता रहता है। गायों के नदी पार करते समय सांड यदि टेढ़ा जाता है तो सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इस प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। अगर नेता ही कुमार्ग पर चला, अगर नेता ही अधर्म करने लगा, तो सारी प्रजा क्या करती है? वैसा ही करती है। जैसा राजा करता है वैसे ही प्रजा करती है, कुमार्ग पर चली जाती है, बुरे रास्ते पर चली जाती है। यहाँ पर गायों का उदाहरण दिया है, नदी पार करते समय अगर गायों का जो नेता रहता है, जो सांड रहता है, वही अगर गलत रास्ते से गया तो उसके पीछे चलने वाली गाय भी कहां जाती है? गलत रास्ते पर ही जाती है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नहीं, राजा भी नेता होता है। देखो, राजा ही क्या होता है? नेता होता है। किसी राष्ट्र में राज्य करने वाला जो राजा होता है वो ही वहां का नेता होता है। वो जो भी जैसा भी कहे वैसा प्रजा क्या करती है? सुनती है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख से भरा जाता है। धर्म विमुख, धर्म विमुख यानी धर्म से मुंह मोड़ लेने वाला, धर्म से मुंह मोड़ लेने वाला यानी अधर्म की ओर झुकने वाला। अगर राजा अधर्म की ओर झुकने वाला है यानी कुछ बुरा करने वाला है तो पूरे राज्य में क्या फैल जाता है? दुख ही दुख फैल जाता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख से भर जाता है। गायों के नदी पार करते समय यदि सांड नेता सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। यदि राजा धर्म का अनुसरण करता है तो
श्रेष्ठ प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुखी जीवन जीता है। देखो, अगर राजा धार्मिक है, धार्मिकता का पालन करने वाला है, धर्म का पालन करने वाला है, जनता का पालन करने वाला है, तो प्रजा भी क्या करती है, राजा जिस प्रकार का बर्ताव करता है उसी प्रकार का बर्ताव करने लगती है और सारा का सारा राष्ट्र कैसा हो जाता है, सुखी हो जाता है। कैसा हो जाता है, सुखी हो जाता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना परिचय दिया और विनय पूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पौधे को पहले मीठा और फिर कड़वा किया। देखो, ये सब बताने के बाद बोधिसत्व ने ये सब बताने के बाद अंत में राजा ने अपना परिचय दिया है ना? और परिचय देते हुए क्या कहा है, पहले जो पौधे खाए थे वो पहले भी पौधे मैंने ही खाए थे जो मुझे मीठे लगे थे हाँ? और अभी भी पौधे किसने खाए हैं, मैंने ही खाए हैं जो मुझे कैसे लगे हैं, कड़वे लगे हैं। अब फिर उन्हें मीठा करूंगा और कभी कड़वा नहीं होने दूंगा। अब जो मुझे पौधे कड़वे लगे हैं उन्हें मैं फिर से कैसे करूंगा, मीठा ही करूंगा और फिर कभी भी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। मतलब मैं हमेशा धर्म का पालन ही करूंगा, न्यायप्रिय व्यवहार करूंगा, मैं अधर्म को कभी नहीं अपनाऊंगा बल्कि सभी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, अच्छा बर्ताव रखूंगा, कभी कड़वा नहीं होने दूंगा, यही मेरा संकल्प और व्रत है। यही मेरा संकल्प है, संकल्प यानी निश्चय, संकल्प यानी निश्चय। आज से मेरा यही संकल्प है कि जनता के साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगा, कैसा व्यवहार करूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगा, नैतिकता का पालन करूंगा, धर्म का पालन करूंगा, कर्तव्य परायणता मेरे अंदर हमेशा के लिए रखूंगा। कौन बोल रहा है, राजा बोल रहा है, किसको बोल रहा है, बोधिसत्व को बोल रहा है हाँ? देखो, बोधिसत्व को प्रणाम कर राजा राजधानी लौट आया, धर्म और न्याय के साथ राज्य करने लगा, उसकी प्रजा फिर से सुखी हो गई। देखो, प्रजा के साथ कड़वापन कब आता है, कब अच्छाई से रहना है हाँ? अच्छाई से रहने से क्या लाभ है, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए प्रजा के साथ, अच्छा व्यवहार करने के बाद हमें मीठे फल मिलते हैं और बुरा व्यवहार करने के बाद कड़वे फल मिलते हैं, कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे धर्म का पालन करना चाहिए हाँ? हमारे अंदर कर्तव्य परायणता होनी चाहिए हाँ? उसके साथ साथ न्यायशीलता भी होनी चाहिए, न्यायशीलता, हमारे अंदर न्यायशीलता का गुण होना चाहिए, धर्म का पालन करने का गुण होना चाहिए, कर्तव्य परायणता का गुण होना चाहिए, नैतिकता का गुण होना चाहिए हाँ? ठीक है, तो यहां पर यह जो गद्य है यह गद्य समाप्त हो गया है। धन्यवाद।